अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज है हमारे पास 6.5 और टॉपिक हमारे पास है इनइक्वालिटीज और इनइक्वेशंस। सॉल्व करने आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी भी इन्वॉल्व है और साथ साथ एब्सोल्यूट वैल्यू भी इन्वॉल्व है। तो ये सवाल करवाने का मकसद ये, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है तो इसको किस तरीके से करेंगे। मेथड वही है, तरीक़ेकार वही है। चूँकि आपको याद होगा एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम क्या करते थे, एक दफ़ा प्लस में रख के सॉल्व करते थे, एक दफ़ा माइनस में रखते हुए सॉल्व करते थे। सो सेम वही मेथड होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इनइक्वालिटीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम देखेंगे क्या होती है, उसको जहन में ज़रूर रखिएगा। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हमारे पास। 5 + 3y mod 12। हम जब इस मॉड को हटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक दफ़ा इधर एंड और पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 + 3y < 12। पॉजिटिव वैल्यू रखी इधर एंड और फाइव प्लस थ्री वाई लेस देन 12। ठीक है, एक दफ़ा प्लस रखा, एक दफ़ा माइनस। इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। लेफ्ट साइड को हमारे पास क्या है, ये जो इधर वाले हैं, वी नीड टू रिमूव दिस 5, ये पॉजिटिव 5 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो 12 - 5, 12 में से 5 निकाल दीजिए, हमारे पास क्या आएगा, 7। एंड वाई इज इक्वल्स टू 7/3, एक वैल्यू ये आई है 7/3। और करते हैं हमारे पास, अच्छा यहाँ पे जो पॉइंट नोट डाउन करने वाला है उसके बाद अपने पास लिख लीजिए, इनइक्वालिटीज को जब भी आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनइक्वालिटीज़ को चाहे पॉजिटिव ग्रेटर हो या लेस देन हो, जब भी नेगेटिव साइन से आप मल्टीप्लाई कराएंगे वो अपनी डायरेक्शन को अपोजिट कर लेगा। अगर लेस देन है तो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर है तो क्या बन जाएगा, वो लेस देन। सो सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव साइन है, मैं इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, क्या बन जाए मेरे पास, ये पॉजिटिव। सो मैंने यहाँ पे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, फाइन। सो माइनस माइनस प्लस 5 + 3y, जब ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो दिस इनइक्वालिटी बिकम्स लेस देन से क्या बन जाएगी, ये ग्रेटर देन। ये बात अपने जहन में रखिए, बहुत ज़रूरी है कि जब भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो अपनी इनइक्वालिटी अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर लेगा। नेगेटिव है, लेस देन है तो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन, एंड दिस वुड बी माइनस 12। अब बिल्कुल उसी तरीके से उसको सॉल्व कर लीजिए। प्लस 5 है, शिफ्ट करवा दीजिए, क्या हो जाएगा, -5 3y ग्रेटर देन -17 एंड y वुड बी ग्रेटर देन -17/3। कंडीशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए दो आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, y लेस देन 7/3 है, y ग्रेटर देन 7/3 है। तो सॉल्यूशन सेट हम इसका किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि y की वैल्यू जो है बीच में 7/3 से लेकर -17/3, लेट सपोज इसको इस तरह समझ लीजिए, यहाँ पे -17/3 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास 7/3 है। सो जो y की वैल्यू लाई कर रही है वो क्या है, लेस देन, इससे छोटी है और इससे बड़ी है। तो इट्स मीन कि जो y की वैल्यू है इस इंटरवल के दरमियान में लाई करती है, ठीक है। तो यानी कि ये वैल्यूज़ क्या होंगी हमें नहीं मालूम, ये बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है, रियल नंबर है। तो इसका सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीक़ाकार ये है, आसान, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी रियल नंबर हो तो सेट बिल्डर फॉर्म को इस्तेमाल कीजिए। वेरिएबल क्या यूज़ किया गया है, y such that y belongs to real number and y is greater than 7/3, y is less than -17/, this is your answer। देखिए y की वैल्यू ग्रेटर है किससे, 7/3 से, y की वैल्यू स्मॉल है, लेस देन है, -17/3 से। ये हमारा सोल्यूशन राइट है। आगे हमारे पास, नाउ ट्राई टू डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 10
टेन, जो बिल्कुल सिमिलर है इसी तरीके से होगा. डू योर सेल्फ, जो क्वेश्चन आपको दिए जाने प्रैक्टिस के लिए उनको ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी ड्रिल और आपकी जो कमांड है उस प्रॉब्लम के ऊपर आ जाओ. जो भी कन्फ्यूजन्स होंगी आप अपने टीचर से या मुझसे आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.